पकड़वाइए, ठीक है, बढ़िया काम है, पकड़ाया है, बाकी लोग को भी पकड़िए, ठीक है सर, ठीक है, इसको ले लीजिए। हाँ 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 बताइए बताइए। अच्छा फरवरी 2022 को सासाराम मुफस्सिल क्षेत्र में करबंदिया के पास अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करके उनको उनका उनकी जो लाश है उसको फेंक दिया गया था। इस मामले में को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा तुरंत वहां पे सभी जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके द्वारा वहां पे पहुंचा गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें कोई भी क्लू नहीं था, लेकिन इसमें तकनीकी तरीके से तथा पारंपरिक तरीकों से अनुसंधान करते हुए इस मामले में दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है ओम प्रकाश सिंह और सोनू कुमार जो कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तथा रजनीकांत कुमार उर्फ राजा बाबू जो कि औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया है कि मोहनिया स्टेशन से पे वो जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हत्या की गई है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी भाड़े पे चलाते थे तथा अपराध कर्मियों के द्वारा उनका जो वो स्कॉर्पियो वाहन है उसको भाड़े पे ले चलने के लिए उसको बुक किया गया और तथा ताराचंडी मंदिर के पास वो उतरे और वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद जो उनकी स्कॉर्पियो है उसको लूटने की नीयत से उन लोगों ने उनको उनकी हत्या कर दी। इस मामले में कुछ अन्य अपराधी अभी फरार चल रहे हैं, परंतु उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द की जाएगी तथा इस मामले में एक स्कॉर्पियो जिस जो स्कॉर्पियो उनकी थी उसको बरामद किया गया है जो कि पलामू के हरिहरगंज से उसको बरामद किया गया है तथा हत्या में उपयोग किया गया खून लगा हुआ चाकू बरामद किया गया है तथा 3 सेट मोबाइल भी बरामद किया गया। इस प्रकार से एक ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस के द्वारा काफी अच्छे तरीके से अनुसंधान करते हुए उसको डिटेक्ट किया गया तथा उसमें 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। सर गिरफ्तार जो अपराधी हुए उसका आपराधिक इतिहास क्या है? उनके आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं, जो कुछ इसमें अन्य जो लोग फरार चल रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास हम लोग को मिला है, लेकिन इनका भी आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं और पता करते ही आपको दे दीजिए।